हाथ अपने लगाने नहीं, बस बना बनाया मिले और खाए। फिर पीछे से बोला कि हम भूखे रह गए। गोभी खराब हो गई, टमाटर खराब हो गए, बैंगन खराब हो गए। है मैंने बोला था कि वो सब्जियां दे देना, किसी को ना खुद खाई ना किसी को दी। 12-13 घंटे हो गए मैं रोटी नहीं खाती अंदर। आज बनाऊंगी फिर, आज पेट भर के खाए। तुम्हारे कपड़े हैं तो फिर अब धोते रहिए, फिर मैं भी तब बोलूंगी कि हाँ तुमने क्या करा। जितना मर्जी काम कर लो, एंड पे सुनने को ही मिलेगा कि तुमने क्या करा। मैंने नहीं बोला था कि लेके आओ। अंकुश ठाकुर यो। हाँ आहा आहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सारे? होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई पहले तो जिसने मुझे इतने कमेंट्स करे थे, मैसेज करे थे कि चंडीगढ़ आ जाओ, पहुंच गई फाइनली। तो पहुंचते ही मैंने तो इन लोगों का इतना खलारा देखा था ना भाई, हद है, किसको बोलते हैं। तो वो थोड़ा बहुत खलारा तो मैंने साफ कर लिया है, बस एक कपड़े रहे हैं धोने के लिए और किचन बचे साफ करने के लिए। खलारा जल्दी से इसलिए साफ हुआ क्योंकि सुबह आए थे पापा, और पहले तो मैंने पापा को फोन पे बोला, मैंने कहा पापा फ्लैट पे बहुत खलारा मचाया हुआ है इन लोगों ने। पापा ने बोला फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं आराम से साफ करना, बट मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो पहले तो मैं उठी जल्दी, मैंने सारा खलारा साफ करा। फिर पापा आए थे और भैया भी साथ में आए हुए थे, तो फिर पापा के साथ हम शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने के बाद भाई बाहर इतनी धूप थी ना, इतनी धूप थी कि ना मेरे से गाड़ी पे बैठा जाए और ना मेरे से बाहर घुमा जाए। तो जैसे तैसे जल्दी शॉपिंग करने के बाद आए, और आते ही मैं सो गई। इतनी नींद चढ़ी मेरे को कि मैं सो गई आते ही। तो अब शाम के हो रहे 6:30, तो मैं उठ गई हूँ। उठते ही मैंने सोचा कि मैं पहले किचन साफ कर लेती हूँ, फिर किचन साफ करने के बाद नहाएंगे और घूमने के लिए निकल जाएंगे। घूमने के लिए नहीं, किचन का सारा सामान लाने के लिए है अभी, क्योंकि शाम को खाना भी बनाना है। और अस्ताद जी तो सोए हुए हैं, तो उठाने से अच्छा है कि भाई मैं पहले अपने काम निपटाऊं, उसके बाद ही उठाऊंगी, क्योंकि अब भूख भी बड़ी ज़्यादा लग रही है। तो जल्दी काम करती हूँ। 2 शैतान मिल चुके हैं, देख लो। अब थोड़ा नटना स्कूबी ओरी मानत, रुक तू गंदे कालू, पूरे घर पे खलारा मचा रहे हो। अब पोचा लगाना मेरे साथ, समझे दोनों। ओए मेरा बेटा मेरा, आ देखो सोने के स्टाइल। वो बेचारा भी उठ गया, देख रहा है कि उठा कि नहीं। एसी चला हुआ फुल, फैन चला हुआ फुल, उस्ताद जी को कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ओ अंके गुड मॉर्निंग। अंकुश ने मेरे को गालियाँ देनी की, हट जा अंकु। 7 बज गए शाम के, थक गया तुमने, क्या करा? थकिया भैया मैं बहुत ज्यादा, उठ जो चलो सामान सुमून लेके आते, रोटी बनानी, भूख लग रही है। चलो इन लोगों को भी भूख लगी है, बेचारों को, इन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ है, सुबह इनके लिए ऑर्डर भी कर लिया। उठ जो ओए अंकु, उठो चलो 10 मिनट बाद उठ जाना, ठीक है, गुड नाइट। एक बार मैं आप लोगों को किचन के हाल दिखा दूँ। ये तो चलो थोड़ा बहुत मैंने साफ भी कर लिया था, बट देखो इनके हाल, ये देखो ना बर्तन साफ कर रहे ना कुछ। भाई क्या होता है, लड़के कैसे रहते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। सही है इन लोगों का। जब मैं घर जा रही थी ना, मैंने अंकुश के लिए आटा गूंद के रखा था, सब्जी बना के रखी थी, रायता तैयार करके रखा हुआ था कि आज का खाना तो खा लेगा, है ना भाई, बंदे ने छुआ तक नहीं है। और आटे की तो हाल आप देखोगे ना डर जाओगे भाई, खाना नहीं तो एटलीस्ट बाहर तो निकाल लो, फेंक तो दो, पर कुछ भी नहीं करना। और अब उसके हाल देखना, ए टू जेड चीजें करके गई थी कि पीछे से कोई तंगी ना है। पर यही बात है ना कि हाथ अपने लगाने नहीं, बस बना बनाया मिले और खाए, यही काम है इन लोगों के। फ्रूट्स के हाल देख लो, एक दिन काटा होगा खा लिया, ऐसे ही पड़ा रहा। इनको तो किसी को दे दो, मैंने ये बोला था, मैंने कहा दे देना ये सामान, ये भी नहीं दिया। अब फ्रिज का हाल दिखाती हूँ, फ्रिज का हाल देख लो है, बस ये जूस की बोतलें खाली करी हुई है। आटे का हाल देखोगे आप लोग तो डर जाओगे, देखो समझ नहीं आ रही कि करा क्या हुआ है। फिर पीछे से बोला कि हम भूखे रह गए। भाई भूखा रखने के लिए तो तुम्हें कुछ छोड़ा ही नहीं हुआ था कि भाई हाँ तुम लोग भूखे रहोगे, सब कुछ करके दिया हुआ था। हालांकि मैंने तो ये बोला था जो फ्रिज पे सब्जियां पड़ी हुई है, इतनी सब्जियां पड़ी हुई है, तो मैंने बोला, मैंने कहा इनको दीपांशु भैया के फ्लैट दे देना, उधर खा लेना रोटी अगर खुद से नहीं बनेगी। वो काम भी नहीं हुआ, ऐसे न ठल्ले फिर बोलना हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा।
ये देखो गोभी खराब हो गई, टमाटर खराब हो गए, बैंगन खराब हो गए, सब कुछ। शिमला मिर्च देख लो भाई, इन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। कैसे इंसान है ये। किसी को दे दो चीज ना सही होता है, बट ऐसे फेंकना ना अजीब सा लगता है कि पता नहीं फेंक क्यों रहे हैं। तब मैंने बोला था, मैंने कहा अगर खुद नहीं बनानी होगी तो किसी को दे देना, पर ना जी। और डेली मैं फोन करके यही बोलती थी कि नहीं बनानी, इसके फ्लैट दे दो, उसके फ्लैट दे दो, एक कान से सुननी दूसरे कान से निकालनी, ऐसे काम है इन लोगों के। तो चलो अब मैं काम कर लूँ, पूरा किचन साफ कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये वाला सारा सब्जियों का बैग मैं दे दूंगी गाय को, फेंकने से तो अच्छा है कि बेचारी गाय के पेट में तो जाएगा कुछ, ऐसी फेंकने क्यों। तो ये वाला पूरा बैग चल जाएगा गाय के पास, बाकी तो जो जो फेंकने वाला है वो तो मैं फेंक ही दूंगी, वो मैंने दो बैग रख दिए भर के। फाइनली कुछ महान लोग उठ चुके हैं, तालियां बजाऊं कि स्वागत करूं आपका। रात के 8:29 हो रहे हैं, अब अगर कोई शॉप खुली नहीं हुई होगी फिर देखती हूँ मैं। रात को तो आप ही घूमते थे, लग जाएगा आज पता क्या खुला होगा क्या नहीं खुला। अच्छा ये देखा तब बापू जी पूरी रात सोते नहीं थे। तुम काम की था, सारा कपड़े उपड़े तो उतने। आप मेरे ज्यादा ये नहीं करो ठीक है ना, चलो चुप करके। किचन नहीं करा आपका साफ, इतना गंदा हुआ था, बकवास मारते हो। ए देखो इन लड़ाकुओं को, इन बेचारों को भूख लगी, वो नहीं दिखता। लॉक ढूंढो कहाँ है आपने रखा हुआ लॉक। खाना पीना कुछ है नहीं है, मैंने बोला था कि वो सब्जियां दे देना किसी को, ना खुद खाई ना किसी को दी। क्या सोच के रखा हुआ आपने, पूरा फ्रिज खराब करा हुआ था, बदतमीज गंदा। चलो अब की करा, शरीफ यही शक्ल नहीं बनानी मेरे सामने, समझे की गल है। देखो कैसे बैठ गया, किथे भाजी किथे, हां जी किथे जाना सब्जियां लेने, मैं तोड़े वास्ते खान नु लेके आना, कुछ बैठो इच बैठो बैठो। आ देख 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 देख, तो भाई इतने दिन बेचारे को रोटी नहीं मिली खाने के लिए है। दरअसल मेरे को बड़ा ज्यादा आता था जब भी मैं फोन करना है कि क्या कर रहे हो, तो 24 घंटे बस चाय चूरी जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, खाया कुछ खा लूंगा, कोई नहीं आज मैं खुद खिलाती हूँ ठीक है, खुद बना के। हाँ ठीक है, हाथों से खिलाती, मैं हाथों से बना के खिलाऊंगी ठीक है। तो आज मैं बढ़िया बढ़िया, वैसे तो हम कुछ कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, आलू गोभी खाता, पर आज आलू गोभी स्किप करके कुछ और बनाऊंगी। आलू गोभी खानी, हाँ तो फिर आज बनाऊंगी, फिर आज पेट भर के खाएगा, नहीं तो कभी एक फुलका किसी के फ्लैट में खा लिया, एक फुलका कहाँ खा लिया, पर पता नहीं 91 एक दो दिन रोटी भी खाई थी, पर वो थोड़ा मजा आता यार, अपने घर की जो रोटी होती है ना वो अपने घर की होती बस है। तो दो दिन इन्हें, दो तीन दिन रोटी खवानी है, मुड़ के जिदा मैं करता, इन्होंने कहना 91 खुला ही होता है रात को। अच्छा जाओ मेरे को लेके आओ रोटी। अच्छा नहीं नहीं ऐसे मैं कभी भी नहीं करती हूँ, डिनर में बना लेती हूँ बस, मैं मेरे को ना बढ़िया सेट होनी चाहिए, मैं बाकी मैं रोटी रोटी खुद बना लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दिन का होता है मेरे को स्यापा कि मेरे को उठा के कोई बोल दे ना कि चाय बना के ले आ या रोटी दे दे, ऐसे कलपती हूँ ना मैं कि भाई नहीं मेरे को उठाओ ही ना मेरे को बोलो। 12-13 घंटे हो गए मैं रोटी नहीं खाती। कैसे 12-13 घंटे हो गए, आपने आते आते तो खाई थी, आते आते खाई थी तो कितने बजे ही, तो 11:30-12 बजे था फ्लैट से, उसके बाद हाँ फिर वही टाइम हो गया उधर। हाँ फिर 12 घंटे हो गए मैंने रोटी ना खा, नहीं खाती नू। तो भाई हम सब कोई 12 घंटे हो गए है। नहीं 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 पर मैंने सुबह ऑर्डर करके मैंने खा ली थी, अंकुश को बोला था मैंने कहा खानी, तो अंकुश ने बोला मेरा पेट फूल है, तो उन्होंने एक दो बाइट्स खाई थी, बाकी मैंने खा ली थी भर भर के। तो अब मैं जा रही हूँ सब्जियां लेने, तो जल्दी जल्दी सब्जियां लेते हैं और स्नैपी स्कूबी के लिए भी खाने पीने का सामान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ ही मैंने फेंक दिया फ्लैट का, सब कुछ ही सारा कुछ बगाड़ डाली हुई थी। फ्रिज वैसे का वैसे तुमने क्यों रखा हुआ था, मैंने जब तुम्हारे लिए रोटी बना के गई थी, मैंने बंदे के लिए एक दिन की रोटी रखी हुई थी, मैंने कहा कि चल आके बेचारा खा लेगा रायता रुता, रोटी रोटी बढ़िया है, चपाती अपने लिए बना लेगा, कुछ भी नहीं करना, बस हाथ में दो चीजें बना के वो खानी, एक दिन काम कर लेता इंसान, कुछ नहीं होता। ठीक है आज रायता भी बनेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा, वो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि गर्मी इतनी है ना। अंकु गर्मी कैसी लगी वैसे तुम्हें, अभी भी गर्मी लग रही है ना वैसे तो, पता नहीं अभी ये हाल है तो जून जुलाई में तो पता नहीं क्या ही होगा, भगवान जाने। जून जुलाई में हम हिमाचल है ना। ठीक है तो चलो हम पहुंच गए गेट के पास, अब सब्जियां लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से।
ਇਹਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੋਮੋਸ ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਮੋਸ ਖਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਹੈ ਕੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਮੋਸ। ਰਾਤ ਕੇ 10 ਵਜ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੁਟੀਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੇਰੀ ਰੁਟੀਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਬਾਹਰ, ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਬਾਹਰ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ। ਤੋ ਆਪਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਚੱਕਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਗੀ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਗੈਰ? ਰਾਇਤਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਲੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ। ਆਲੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬਣ ਗਈ, ਆਲੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਖਾਣੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਉਂਗੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੰਡ ਖਾਣੇ ਕੋ ਮੰਨੇ? ਟੰਡ ਰੰਗੂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਫੁਲਕਾ? ਹਾਂ ਫੁਲਕਾ ਖਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਫੁਲਕਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ, ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਵਧੀਆ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਈ ਸੀ। ਚਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲੂੰ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੈਡੀ, ਆਟਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਗੂੰਦ ਕੇ, ਬਸ ਅਬ ਸਬ ਚਪਾਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋ ਖਿਲਾ ਲੂੰਗੀ ਔਰ ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋ ਖਿਲਾ ਲੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਤੋ ਕਿ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਗਰਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਤੋ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹਾ ਕਿਚਨ ਮੈਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ, ਇਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਤਨੇ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਅਬ ਵੀ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਚਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸੇ ਸੋ ਗਏ, ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੋਏ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੋਏ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਓ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਦੀ ਸੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਏ ਘਰ, ਕਿੰਨੇ 14-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਵਾਦ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਨੂ ਐਨ ਓਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਟਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕੁਛ ਚਟਨੀ ਖਾਂਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਿੰਨੂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਇਆ? ਬਸ ਲੈ ਜਾ, ਬਸ ਖਤਮ, ਬਸ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਇਤਾ ਖਾਓ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਪੇ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾ। ਜਬ ਮੈਂ ਘਰ ਪੇ ਥੀ ਤੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਥੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤਬ ਵੀ ਇਤਨਾ ਗੰਦ ਡਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਹਮ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਵੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਸਨੈਪੀ ਸਕੂਬੀ ਕਾ ਬੈਡ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਵੋ ਵੈਸੇ ਕਾ ਵੈਸਾ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਵੋ ਚਿੜੀਓ ਕਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਂਸਲਾ ਸਾ ਨਿਕਾਲਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇ ਵਹੀ ਉਸਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਕੂੜਾ ਕਰਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਥੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਟੂ ਜੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਇਤਨੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਤੀ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਤੀ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੁਹਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਧੋਤੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਕਰਾ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 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 ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਧੁਲੇ ਧੁਲਾਇਆ ਆਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਕਰਾ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰੀ, ਵੋ ਵੀ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਖੜੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕਿਆ ਕਰਾ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਮੈਨੇ ਮੈਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਬੋਲਾ, ਤੁਮ ਸੁਣਾਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ ਹੂੰ ਤੁਮੇ, ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਐਂਡੇ ਪੇ ਸੁਣਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਸੋਤੇ ਸੋਤੇ ਸਨੈਪੀ ਸਕੂਬੀ ਵਗੈਰਾ, ਸਨੈਪੀ ਸਕੂਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ, ਓਰੀਓ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਥੀ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ
पूरे घर पे इसने फैलाया हुआ था, तब भी मैंने साफ करा पोचा फिर से लगाया कि चल ठीक है। एक कपड़े दिख रहे हैं कि भाई यहाँ सामने, तो तूने वो फोल्ड नहीं करे, खुद कर लेते, तुम सोए ही थे, तुम वो उठा लेते, पूरे दिन से सोए हुए थे, सिर्फ 2 घंटे के लिए पापा के साथ गए हो। बकवास ना मारो, इधर चपेटा खाते हैं मेरे से, सोचा होगा तुमने कि भैया मेरी सुनती है, मैं नहीं सुनती शांति। मैंने नहीं बोला था कि लेके आओ, मैंने बोला था तब तुम, जब मैं अभी घर पे पहुंची थी, अभी दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, तब तुमने यही बोल दिया था फोन करके शिनू कब आ रही है। ओए ओए ओए, याद आपने वाली खाना, और तुम्हारे साथ दीपांशु भी था, दीपांशु भी था, चुप रहा करो तुम, दीपांशु भी था और मेरे उधर मम्मी भी खड़ी हुई थी। मैं तो दूसरे दिन ही फोन कर दिया। हां हां, तुमने बोला था कि तू कब आना, ये तो सारी गप्पा। खाना एक बार सौ मेरी खा लो। दूसरे दिन तो मैं उस्ताद जी चिल कर रहा सी, दूसरे दिन तुमने बोला था दीपांशु भी अभी साथ में, उधर मेरी मम्मा खड़े हुए थे साथ में। बकवास ना मार लियो तुम ज्यादा, सही था मैं कि नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि चल काम है, अब ठीक है ये काम खुद करते रहेंगे, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं वापस चली जाऊं, बढ़िया महीना भर और लगा के आऊं। बस एक एक दिन का ही होता है शौक कि ठीक है आओ काम कुम करो, रोटी खाने को दे दो, बस कोई शौक नहीं होता कि आई हुई है ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई शौक नहीं है, थकिया हो या देखा। हाँ 14 दिन से मैंने थका के बैठा हुआ था कि मैं सारे काम करवा रही थी घर के, तू सारे काम कर ले है, मैं पूरा पूरा दिन तुम्हें लेके जा रही थी। मैंने बोला था तुम्हें कि तुम ना सो ना रोटी खाओ ना कुछ करो, है ना, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही थी उधर से, खुद का नहीं लगता पता कि हाँ मैं कैसा आदमी हूँ कैसा नहीं हूँ, मेरे को सिखा हुआ सुनाने बेला, ऐसी टैंड है मेरे से तो नहीं सुनी जाती है, पता नहीं किसको सुनाएंगे। तो चलो अब मेरे को एक काम बचा हुआ, एक काम वो भी अब चाय चाय का काम था ना, बंदा उठ के अपने पैर हिला के थोड़े से दो उधर तक किचन में तो जा ही सकते थे तुम, चाय तो बना सकते, मेरी गाल सुन, मैं बाहर चाय चुरी तो पीण जानी तो पियो पियो, मेरे को क्यों बोला कि बना, ताही हुण तू आई है ताही तेनू क्या बना देने था, मैं चाय चुरी नू जावा रात दो बजे, तुमने मेरे को कोई सुख दिया जब से, मैं तुमने पानी का मेरे को गिलास तक दिया आस पे, गिलास हुंदे ना पानी दे लेके, वो भी मैं पिला रही हूं तुम्हें, गिला पी फिर बोलना कि चुन्नी क्या है किरे पूरे दिन में, एक चाय के लिए भी हाथ पैर दुख रहे हैं कि नहीं बनते। मैंने बोला कि मेरे पैर दुख रहे हैं तो बस उस पैर के पीछे इतना भाषण दे दिया तो कि तू की किता। स्नैपी स्कूबी को एक स्नैपी पकड़ा हुआ था, स्कूबी और ओरियो मैंने पकड़ा हुआ था, मैं घुमा रही थी है खुद, बस एमए स्टार बन के चले हुए थे कि नहीं जी मैं तो ऐसा ही हूँ। ओके यार अब बिगड़ दूंगी तो मैं घर से, मैं बेदखल पता भी नहीं चलेगा, बड़े आए ये एक दिन का ही शौक था कि ठीक है एक दिन घर पे भी टिक गए, कोई बड़ी ये बात नहीं हुई। मेरे को पता है कि अब के बाद मैंने फिर से जाना है, फिर रोते रहे, फिर तो मैंने आने का मेरा मन ही नहीं अब कि मैं वापिस आऊँ, ऐसी टैंड है सुनने के चक्कर में, तो उधर ही ठीक हो सही है नहीं। क्या नहीं करना नहीं। मेरे पे भेजना नहीं, आएंगे ना 2-3 दिन बाद मनीष भैया तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, जरूरत नहीं मेरे को तुम्हारे साथ जाने की, भेजना ही नहीं, तुमसे पूछ के जाऊंगी मैं है, ऐसे नहीं जा सकती तुम, मेरे को पूछ के जाते जहाँ जाना होता तुमने, मैंने रोका टोका तुम्हें कभी, बस मेरी बात सुन के तो बस कर बस कर, मैंने बनानी चाय छुए पीनी पियो, बनानी बनाओ नहीं पीनी ना रहन दो, मेरे से नहीं होता अब, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, तुम ही करते हो जो करते हो, पूरे दिन से तो तुम ही कर रहे थे, बकवास करनी सीखी हुई है मेरे आगे, अपनी जुबान ना मेरे आगे खोलनी नहीं है समझे, हाँ जी और ना जी पे जवाब देना है आज के बाद, ना जी मतलब हाँ सो जो अब बोलिए, अब इस तरह चको अपना और निकलो यहाँ से, अब बड़ा मेरे को रोब झाड़ना सिखाया हुआ था तब का, परली साइड को क्या मुंह करके अब सुन ली मेरी टेंट है, उधर को नहीं फिरना अब, रोने मत लग जाना अब उस साइड, बना रही हूं मैं चाय, खुद तो उठना नहीं, बताती मैं कल से कि मैं क्या करती हूँ, सुबह उठकर ना झाड़ू पोछा लगा दो, जो गंद डाला हो ना सारा परले रूम में भी और बैक साइड भी, फ्रंट साइड इतनी बड़ी बड़ी घास होगी और दो हाथ नहीं लगेगी मैं उसको उखाड़ दूं, फिर बोलना क्या करती है, पता है औरतों को कितने काम होते अपने घर पे, पूरा तुम लोगों को संभालना, तुम्हें अच्छे कपड़े देने पहनने के लिए, रोटी बना के देने, तुम्हें साफ सुथरी ताजी कि खाओ, फिर बोलना कि तुमने क्या करा, बस कर हुण हाथ जोड़दा तेरे अगे, मैं सही बात बोल रही हूँ, बस कर चाय बना दे, चल बने हुण, ओके सो जा गुंडा, चाय चूरी से ऑर्डर करो, मैंने बना दी अब चाय, ओके फाइनल है अब नो चाय, आज मैं यही बताऊंगी कि मैंने चाय चूरी से ही ऑर्डर करी, तूने चूरी खानी, मैं नहीं खानी चाय चूरी, अच्छे चाय पीनी मैं घर वाली, मैं नहीं पीनी, पर मैं बाहर वाली पीनी, तुमने घर वाली पीनी ना,
माहौल आज उठो Okay. मैं भी चाय चूरी पीने बाहर ही जाना कर लग थी, ना ना मैं बाहर ही मैं भी आज अड़िए लो मैं बाहर ही जाना चाय पीने। जब मैं बोल दूंगा ही जाने के लिए तो मैं थकिया पाया। अब जब तुम बोला करोगे कि मैं मेरे साथ चल पड़ मैं भी ये बोला करूंगी मैं थकी पाई मेरे को ना बोलो कि यहाँ चल वहां चल। बकवास आदमी बना ही लेती चाय इसके दुख से तो आ चेक करो जिहड़ी कहंदी चाय चोरी लेके चल हांजी ले आंदी ना चाय चाय चोरी ऑर्डर दे इदां थोड़ा दस दबका ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਦਬਕਾ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹ ਚੱਲ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੂੰ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਇਹ ਚੱਪਲ ਹੀ ਦਰ ਇਹ ਦਬਕਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡਰ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈ ਆਈ ਆ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ 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 ਹੁਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸੋ ਲੈ ਫੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੂਧ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦਬਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ चल तू पहला दबका दिखा अपना अज मैं आ ही देखा चाह पीती जाती के नहीं तू दब चल दबका अच्छा आ दबका सी तेरा ए दबका ही ए तो मैं एक घुट ची पीनी चाह आ दबका सुन के चल हूं देख सवेरे रूटीन सेट करनी आ सवेरे उठ के गया नी तेरे पापा ना दस ओ तो बाद आके थक गया बेहस हो गया 10 बजे की उठा रही हूं जब पापा रिए हो जाए तब तुम उठे ज्यादा नहीं बोलो फिर आधा घंटा पापा इधर बैठे उसके बाद तुम उधर तब तो मैं महसूस नहीं थे ऐसे ऐसे चल रही कि नहीं मैं सो उधर मैं तो गाड़ी पे तुम बैठे हो कि बंदा बाहर है लेकिन मैं तो घर जाके सो जाऊंगा भरावा तो सो ही जाता फिर आओ नींद आई सी तन्नू रात इतना लेके आया लेट होया सारा मैं भी इंसान हूं मैं तू तो घर सो के आई हां मैं तो सारा दिन काम करौंदा रहया तेरे पापा ना मैं भी पूरा दिन कल जागी हूं स्नैप इसको भी को नहलाया हुआ है पैकिंग करी हुई है ठीक है मैं नहीं बोलती थी आपको कि आप सुबह सुबह तक जागे रहो 12-12 एक बजे तक जब मैं उठती थी तब आप सो रहे होते थे चल ठीक है हम चाय पीन दे ओके दादा ओके एक आपसे वो मैक्स हो भी लगी है ना कि मच्छर आया हुआ कमरे में तेरे तो लागी है तेरे तो लागी मच्छर तो तुम ही सवेर दी देखदी पिया मैं बोल रही मैं चप्पल से मार दूंगी तेरे तो लागी दस चाह पीए मित्रों ते सोईए आपां सवेर दा अपने आप नूं थकिया थकिया बहुत महसूस करदा मैं हैना ते हुण हले भी करदा पिया इन्नी गल्ल सुन के बाद भी करदा पिया तैनूं नहीं ना पता मेरा शरीर खराब होया पिया इन्ने दिन तो 14-15 दिन तो ना जिहड़ी उथल पुथल हो गई सी ना जिंदगी ते अज सारा दिन ओह मैं सो के कट्टिया आ तां कि हुण कल तों रूटीन बणावां अपनी एक दिन तां बंदे नूं चाहीदा ही सी हैना ते हुण चाह पीण लगा रात दे 1:30 बजे चाह पीण लगा चाह पी के फिर अपना मित्रों सोईए दोबारा फिर तो सवेरे जल्दी उठिए तो रीला रूला बनाइए फिर दोबारा यूट्यूब से ब्लॉग ब्लूग नवे नवे बनाइए तो अगे होर यूट्यूब का कंटेंट जा छेती छड़े वा होनी तो बाकी मित्रों ब्लॉग वधिया लग्या क्योंकि मैनू नहीं पता इन्हें किदा का बनाया हूँ मैं एडिट करूँगा वो पता लगेगा मैंने ब्लॉग किदा का बनाया किदा का नहीं तो जिदा का भी ब्लॉग होगा लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब कुछ नहीं मैं कट करना इन्ना टाइम है नहीं मेरे को मैं सोन लगा मैं सारा ब्लॉग जोड़ के ऐद ही अपलोड करके सो जाना तो सवेरे 8 बजे तुम ब्लॉग देख लियो जो वधिया लगे लाइक कमेंट सबसक्राइब चैनल में जरूर करो तो गुड नाइट।